हर इंसान के रोम रोम में निवास करता है मेरा भगवान। और समझाए कि एक बात कही है प्रहलाद ने कि वो मुझमी है और तुझमी है, थोड़ी सी थप्प में है तलवार पिताजी। मेरा भगवान जो है पिताजी। हर इंसान के रोम रोम में निवास कर रहा है मेरा भगवान। आज जैसे ही इधर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद के ऊपर जैसे ही तलवार चलाई है कंप से बांध करके, कहानी कचौट बन गई। आज श्रोताओं और इसी बीच में जो 201 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सुमित भाई, जिनके यहां पर ये कथा का आयोजन चल रहा है, उनकी तरफ से 201 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। बोलिए राजबिहारी भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर जिस समय प्रहलाद को उस लोहे के खंभ से बांध लिया है और तलवार जिस समय चलाई, कहानी कचौर बन गई। क्या हुआ गुलशन? कश्यप ने खंभ पे तलवार दादा चलाई, प्रभु जी
आज मेरे भैया जैसे हिरण्यकश्यप ने सुखम पर तलवार चलाई है, चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया भगवान ने, जवाब दिया उरे अभागे, बता तेरे क्या वरदान है। परीक्षित महाराज, हिरण्यकश्यप के क्या वरदान थे, क्या मांगे थे प्रभु से? ध्यान ना, तो थोड़ा ध्यान देव कथा। जवाब दिया है और ये भागे, देख ना तू भीतर है ना बाहर है, जाके प्रभु जी ने देहरी पे रख लिया, ना ऊपर है ना नीचे है, घुटनों पे रख लिया। देख मेरे कोई पास में हथियार तो नहीं है, भगवान के बड़े बड़े नाखून थे, देख लेना वर्ष का कोई महीना है, लौंद का महीना चल रहा है। लला समझ गया वो अभागा, मेरा काल आ गया है। भगवान ने क्या किया, भगवान पकड़ के बेरी को श्रोताओ, इधर क्या किया है भगवान नारायण ने, बड़े बड़े नाखून थे भगवान के, जो है कलेजा को फाड़ दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब तो सभा में जो है हाहाकार मच गया। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान के आगे आए, भगवान ने एकदम से गोदी में उठा लिया। आज भगवान ने जवाब दिया है, भक्त राज को राज दे नर हरि कृपा निधान, तत्क्षण अंतर हित हुए दीन बंधु भगवान। भगवान ने क्या किया है, इधर प्रहलाद के हाथों में राज दिया है और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।